दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है आज तेईस अक्टूबर 2024 और यहां पे 24 अक्टूबर 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए निफ्टी के एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेकर आपके सामने हाजिर हूं अगर वीडियो और पसंद है जरूर फीडबैक करिए कमेंट करिए और आर ट्रेडी मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे एकदम कंफ्यूज कर रखा है आज मार्केट ने अगर आपने ध्यान में देखिए तो लास्ट देखिए आप 9:15, 9:30 तीस और फिर 9:45 की कैंडल ये तीन कैंडल देख लें तो इस तीन कैंडल में कितने लोगों का इसने वाइप आउट किया होगा भगवान मालिक है है ना बहुत ही जबरदस्त वाइप आउट किया होगा वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीचे ओपन हुआ ऊपर से कवरिंग लोगों को लगा कि ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आ गया फिर लोगों को लगा नीचे जाएगा फिर ये ऊपर चला गया फिर ये नीचे आया और फिर इस चार कैंडल में जो लोगों ने कर लिया तो कर लिया अदरवाइज इस कैंडल में तो सिर्फ सेलर लोगों ने पैसे बनाए होंगे इतना दूर में सेलर लोगों का रास्ता ठीक है ओनली सेलर राइटर अब हमें बैंक निफ्टी को मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा क्लोजिंग हुआ नहीं बैंक निफ्टी अच्छा क्लोजिंग नहीं किया है इक्यावन हजार दो सौ चालीस के आसपास की क्लोजिंग है हावन हजार पांच सौ पचास का लगा है तो ये रेजिस्टेंस है कल भी मैंने ये बात बोला था कि हाँ, हजार पांच सौ छह सौ ये सब रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा तो बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना रखा इस रेंज के ऊपर अब आपको देखना होगा बैंक निफ्टी को खासकर ये छोटा वाला आप रेंज पकड़ लें अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप ऊपर और नीचे का तो रेंज अभी भी वही है ऊपर का रेंज आप थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर सकते हैं तो ऊपर अगर ये 5350, अभी भी बाइंग रेंज हमारे लिए के ही, ही बाय का पोजीशन बनेगा और टारगेट इस कंडीशन में एकावन हजार सौ पचास से एकवन का मिलेगा आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था तो वो तो निकल गया अब यहाँ पे ये एरिया है 550 सौ का इसके ऊपर अगर 15-20 मिनट 30 मिनट अगर टिक जाता है तो आप थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का सहारा ले सकते हैं और उसमें आपको टारगेट बनेगा हजार से सौ राउंड नंबर की बात करें तो तो बेसिकली अब एकावन जो है बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ा हर्डल है इक्यावन से बावन वाला क्या इसने नीचे का लेवल खोल रखा है जी हाँ बिल्कुल नीचे का आने का लेवल इसने खोल के रखा है उसमें नो डाउट लेकिन अभी आप यहाँ पे आप समझें कि अगर इस तरह का सिचुएशन बनता है तो कॉल ऑप्शन आपकी तरफ लेना चाहिए के, प्राइस का इंडेक्स जाने पे ये के देगा। अगर, अगर शॉर्ट कवरिंग नहीं आया एफ आई का सेलिंग आ गया तो ये लेवल एकावन एक, एक सौ को टूटने के साथ ही बड़ा गिरावट बनेगा देखिएगा सेलिंग के लिए परफेक्ट लेवल बन रहा है एकवन हजार एक सौ के नीचे आने पर सेल करेंगे और एक टारगेट छोटा वाला इक्यावन हजार का मिलेगा ये रुका तो ठीक फिफ्टी वन थाउजेंड अदरवाइज अगर इसको होल्ड नहीं कर पाया तो पचास हजार नौ सौ से पचास हजार आठ सौ तक मीडियम टारगेट और बड़े टारगेट पचास 50 हजार पांच सौ के लिए फिर आप रेडी हो सकते हैं पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे एक तो सौ के ही स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए फिफ्टी वन थाउजेंड का कोई दिक्कत नहीं इंडेक्स नीचे आने पर आपको प्रॉफिट देगा लेकिन सवाल है कि पचास हजार पांच सौ की बात करने लगा पहले भी ये लेवल आया था ऐसा बात नहीं कि ये लेवल नहीं आया था आप यहां देखिए पचास हजार दो सौ है और ये एरिया है आपके लिए पचास हजार पांच सौ के आसपास का है ना अब ये दो ही एरिया क्योंकि अगर ये इक्कावन हजार टूट जाता है इक्कावन हजार टूट जाता है तो फिर ये पचास हजार पांच सौ से लेके पचास हजार दो सौ तक आने में देर भी नहीं लगाएगा ओवर शोल्ड है मार्केट नो डाउट गैप अप गैप डाउन खुल सकता है नो no डाउट और ओवर शोल्ड में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है संभावना तो बनता है फिलहाल अभी हम देखते हैं तीस अक्टूबर का मैंने आपको पुट ऑप्शन दिया था टारगेट आया कॉल दिया वो भी है मैंने शुरुआती के पंद्रह मिनट के जो दो कैंडल है ना उसी में सारा काम हो गया था अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ना ओवर बाउट है और ना ओवर शोल्ड है विक्स बड़ा हुआ है तो वॉलिडिटी बड़ी हुई है सीधा बात है कहां पे क्लोज कर रहे हैं तो हम एकवन हजार दो के आसपास में क्लोजिंग कर रहे हैं हम लोग चूंकि दो सौ चालीस की क्लोजिंग है तो एकवन हजार दो सौ पर एडम मनी बैठे हुए हैं नीचे जाने के लिए आप यहाँ पे देखिए जो पहला सपोर्ट एरिया है वो है इक्यावन हजार वाला आप ये इस एरिया पे ध्यान दीजिए यह बारह लाख तिहत्तर हजार पुट राइटर कॉल राइटर लगभग पौने पांच लाख है तो ये एरिया टूटना नहीं चाहिए इक्यावन हजार अगर ये टूट जाता है तो फिर ये आप धीरे 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 कमजोरी बढ़ाते हुए हो सकता है ये पचास हजार आठ सौ तक आ जाए इस एरिया पे देखें तो डेढ़ लाख पुट राइटर कॉल राइटर पैंतीस हजार है तो आपको ये ध्यान रखना होगा एक बाउंस का एरिया ये वाला बन सकता है बाउंस का एरिया ये वाला बन सकता है पचास हजार आठ सौ इसी तरह हम ऊपर देखें तो एक सौ एकावन आठ सौ बड़ा हडल निकल कर रहा है हालांकि पहला लेवल ही 500 से देखते हैं इस दो तेरह लगभग लगभग चौदह लाख के आसपास में पुट राइटर है और कॉल राइटर ग्यारह दो तेरह लगभग इस चौदह लाख है देखिए कितना होशियारी से इन लोगों ने सेटिंग कर रखा है प्रीमियम खाने का ग्यारह लाख तेरह हजार है एकवन पांच सौ पे ग्यारह लाख अड़सठ हजार है एकावन पांच सौ राइटर बराबरी का मुकाबला चला रहा है पौने तीन लाख कॉल राइटर इधर बैठा है एकावन छो छह सौ पे लगभग ढाई लाख का इधर है एकदम बराबरी का मतलब बहुत ही होशियार बंदा है लोगों ने प्रीमियम खाने को पूरा तैयार इसीलिए आपको मार्केट एक नैरो रेंज में फंसा हुआ नजर आया तो अब एकावन सात सौ और आठ सौ को ब्रेक करने पर ही बड़ी तेजी बनेगा अदरवाइज नहीं बनेगा ये भी ध्यान रखिए आप ठीक है हाँ। अब अगर ये गैप अप खुल जाए मान लीजिए ऊपर खुल जाए गैप अप, तो आपको ये तो पता चल गया कि इक्यावन हजार सात सौ से लेके जो बावन हजार वाला एरिया है अब इसका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया हमें वो दो सौ दो डेढ़ सौ दो सो वाला मामला नहीं चाहिए अगर इस रेंज पर मिले तो अगर डायरेक्ट अप अग इस एरिया पे मिलता है तो सेल करने में रुकना भी नहीं है यहाँ पे प्रॉपर सेल करना है लेकिन अगर हो सकता है ये आपको एकवन हजार छह सौ पे मिले और एकवन हजार पाँच सौ के बीच में मिले तो एक रिस्क यहाँ पे भी सेल साइड लिया जा सकता है क्योंकि आज भी इसी जगह से गिरे है, है ना तो रिस्क यहाँ पे भी लिया जा सकता है सेल साइड का लेकिन ज्यादा कंफर्ट आपको इस एरिया पर आएगावन सात सौ से आठ सौ के आसपास में अगर खुलता है तब ये सारे टारगेट बन जाएंगे एकावन छ सौ इक्यावन पाँच सौ और इसके नीचे आ जाता है हजार चार सौ से लेके एकवन हजार तीन सौ से ले तीन सौ और एकवन हजार दो सौ भाई लेवल आपको दिखेगा सेल ऑन का मामला भी चल रहा है पुट ऑप्शन आप इक्कावन हजार हजार पांच सौ या छह सौ का भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है इंडेक्स नीचे आने पर यह पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और अगर ये गैप अप खुल जाता है यानी कि नीचे नहीं खुल के ऊपर खुल जाता है गैप अप गैप अप कितना पे अगर ये मान लेते हैं पचास हजार पाँच सौ पे खुलता है तो ये बहुत बेस्ट बाय जोन होगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हो सकता है पचास छः सौ पे खुल जाए तो बेसिकली पचास पाँच सौ छः सौ सात सौ ये तीन ऐसे एरिया हैं जिसके आसपास अगर खुलता है तो एक बार बाइंग का चांस लेना चाहिए और टारगेट ऊपर पचास हजार आठ सौ से लेके फिर इक्यावन हजार तक के टारगेट फिफ्टी वन थाउजेंड तक का टारगेट मिलेंगे अच्छा रहने पर एकवन हजार एक सौ से लेके जो आज का क्लोजिंग है इक्यावन दो सौ वहां तक ग्रेव क्लेम कर सकता है कॉल ऑप्शन आप नजर रखें तो भाई पचास हजार कोई दिक्कत नहीं इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा ये तो हिसाब किताब चल रहा है बैंक का बिल्कुल में फंसा दिया है बहुत सारे लोग जो शुरुआत में तीन चार कैंडल में प्रॉफिट बनाए अच्छी बात है नहीं बनाए तो भैया साफ हो गया होगा आपका अब आता बताओ निफ्टी कल है इसका एक्सपायरी अब पहले हम इसका चूंकि एक्सपायरी है तो इसमें इसमें भी सेम तीन कैंडल आप देखिए एक सपोर्ट एरिया इसने नीचे बनाया चौबीस हजार तीन सौ पचहत्तर के आसपास का आज पहली कैंडल का लो है चौबीस हजार तीन सौ अठहत्तर तो आप कह सकते हैं कि चौबीस हजार तीन सौ पचहत्तर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग चौबीस पैंतीस के आसपास में चल रहा है डेली के चार्ट पे देख लेते हैं बिल्कुल चार सौ पैंतीस चल रहा है तो कल आज का लो जब तक कल ब्रेक नहीं हो ध्यान से देखिए अगर इस एरिया के नीचे निकलता है तभी सेल करिएगा अदरवाइज मत करिएगा चौबीस हजार तीन सौ पचहत्तर के नीचे सेल करेंगे सेल करेंगे और टारगेट 24,300 का छोटा वाला बड़ा बड़ा टारगेट 24,250 से फिर 24,200 तक का आपको बनेगा 24,200 और दो सौ पचास ये सारे बहुत ही अच्छे सपोर्ट निकल के आपके सामने में आएगा ठीक है तो इस एरिया से ये बाउंस भी हो सकता है ये ध्यान रखिएगा पुट ऑप्शन आप 24,350 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं लेकिन अगर ये यहीं से रिकवरी करके ऊपर चला जाता है तब तो कहाँ पे बाइंग करेंगे किस जगह पे बाइंग करेंगे तो उसके लिए बाइंग करने का जगह है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि कहाँ पे आपको बाय करना है चलिए सबसे पहले आप देखिए जिस तरह से ये रुका है और एक लाइन पर आके इसने रोकने का आप आपको कोशिश की अब इस लाइन को आप यहां से कन पकड़िए इस लाइन को आप यहाँ ले आइए तो ये एरिया इसका भाव होता है चौबीस हजार सौ इसके ऊपर जब तक ये नहीं जाए तब तक बाइंग नहीं आएगी चौबीस हजार चौबीस के ऊपर निकलने पर ही बाय करिए टारगेट ज्यादा का तो अभी फिलहाल नहीं बात कर सकते मामला ही गड़बड़ है चौबीस से चौबीस तक का और ज्यादा अच्छा रहने पे सौ से चौबीस सात सौ हालांकि इसकी संभावना कम है शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ गया तो ठीक है नहीं तो चांस कम है कॉल ऑप्शन आप चौबीस के ही स्टाइक पकड़िए नेक्स्ट एक्सपायर का चूंकि कल इसका वीकली होगा इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा चौबीस सात सौ बोल रहा हूँ कि जाना मुश्किल लग रहा है देखिए चौबीस अक्टूबर यहाँ लिख रहा है तो कल है चौबीस तारीख इसका एक्सपायरी है इसलिए बोल रहा हूँ कि एट द मनी ये चौबीस चार सौ पचास और आप यहाँ पे देखें तो चौबीस 600 सौ सौ पचास पे पहले देखिए बारह चार सोलह लगभग साढ़े सोलह लाख आपका पुट राइटर है ठीक है चौबीस छह सौ से छह सौ पचास वाला एरिया पे और इस एरिया पे अगर कॉल देखते हैं तो लगभग एक करोड़ होता है बहत्तर लाख और सैंतीस लाख मिला के देखें तो एक करोड़ से ज्यादा होता है इसको ब्रेक करने में दिमाग खराब हो जाएगा और चौबीस पाँच सौ पचास की बात करें तो यहाँ पे भी साढ़े आठ लाख फूट राइटर है कॉल राइटर तैतीस लाख है, है। यहाँ पे भी दिमाग खराब है इसका इसका मतलब क्या है कि जितना ऊपर जाता है उतना तेज बिकवाली हावी हो जाता है चौबीस पांच दिन के ढाई बजे के बाद अगर इस एरिया के ऊपर टिक गया चौबीस पाँच से छ के ऊपर टिक जाता है तब एक शॉर्ट कवरिंग आएगा कॉल राइटर के द्वारा और ये ऊपर लेके जाएगा समझ में आ रहा है तोड़ गया ना आज का लो वाला तो मामला ही खराब कर देगा फिर तो चौबीस दो और दो पचास पे देखिए लगभग साठ बीस अस्सी लगभग पचहत्तर लाख आपका पुट राइटर है पचहत्तर सेवेंटी फाइव के आसपास में और यहाँ पे कॉल राइटर लगभग लगभग तीन लाख है तो चौबीस दो सौ दो सौ पचास बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर आएगा तो खरीदारी आ जाएगी चौबीस तीन सौ पे क्या लग रहा है 24 300 पे भी पैंतीस लाख पुट राइटर कॉल राइटर साढ़े चार लाख है तो ये, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई हम चौबीस तीन सौ पे भी सपोर्ट ले सकते हैं चौबीस तीन सौ पे भी इसलिए नीचे उतना इसको दिक्कत नहीं है दिक्कत इसको ऊपर के साइड में चौबीस पांच सौ पचास जब तक ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं करे तब तक ये ऊपर जाने का संभावना बहुत कम दिखाएगा ठीक है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सेफ्टी बोला कि भाई इसके ऊपर निकालिए चौबीस पांच सौ पचास के ऊपर तब आपको तेजी बनेगा अगर ये गैप अप खुल जाता है डेढ़ दो सौ पॉइंट तो जाहिर सी बात है ये चौबीस हजार छह सौ पे ये चौबीस हजार छह सौ पचास पर खुलता है गैप अप पे तो आपको अभी क्या बताया ऊपर एक करोड़ बैठा है कॉल राइटर है ना तो यहाँ पर से आप बिल्कुल सेल करिए और टारगेट नीचे की तरफ में चौबीस पांच सौ पचास से लेके चौबीस हजार चार सौ पचास तक जो आज का क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है Put की बात करें इस कंडीशन से तो चौबीस हजार छह सौ या पांच सौ पचास का बिल लेंगे वाला तो कोई दिक्कत नहीं इंडेक्स नीचे आने पर जाके प्रॉफिट देगा और अगर ये गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे खुलता है नीचे खुल के कहा जाए चौबीस हजार दो सो पचास पर चौबीस हजार दो सो ये दो बेस्ट एरिया है जहां खुलते के साथ आप बाय के लिए कूद सकते हैं कोई दिक्कत नहीं हालांकि एक एरिया चौबीस तीन सौ पे भी दे सकता है आपको बाइंग के लिए और ऊपर टारगेट जो होगा वो चौबीस तीन सौ पचास से 24450 तक का टारगेट फिर आपको मिल सकता है कॉल ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी कर लेंगे तो 24300 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा ये ध्यान रखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अब देखिए कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों है ना जैसे आप देखिए जो स्टॉक्स फॉल किया जैसे आप देखिए टीवीएस मोटर ये रिजल्ट वाला स्टॉक है टीवीएस मोटर लास्ट 5 से 10 मिनट में इसने लगभग ढाई सौ प्वाइंट का करेक्शन किया ला देखिए पूरा दिन ऊपर रहा फिर एक ही झटके में ये ये वाला जो झटका आपको लगता है ये वाला झटका इस झटके से बचना लोग का मुश्किल हो जाता है इस इसको कहां पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे मैं कहता हूं, आप कहा स्टॉप लॉस लगाएंगे यहां लगाएंगे यहाँ लगाएंगे ये यह हर जगह काटने का क्षमता रखता है तो जब अपना काम हो जाता है जब चीजें हो जाती है तो आपको उसको अवॉइड कर दीजिए अगर कल आपको खरीदना रहे टीबीएस मोटर मान लेते हैं तो मैं खरीदारी की तरफ तो देख ही नहीं रहा हूं इसको दिक्कत तो इसके साथ यही है खरीदारी का रेंज ही बहुत ऊपर है तो खरीदारी के नहीं ले। लेकिन सेल ऑन राइज ये हो सकता है कि अगर ये कल वापस से पच्चीस पचास के नीचे निकलता है ना टीबीएस मोटर 2550 के नीचे अगर निकलता है तो जरूर सेल करेंगे 2500 के टारगेट के लिए आपको ये आराम से दिखा सकता है इसी तरह आपको कुछ स्टॉक्स नजर रखिए मैं आपको यहाँ पे और कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ देखिए टाटा मोटर्स आज भी दिया था इस बाय साइड में सारे टारगेट इसके डन हो गए तो ऊपर है ना पर टारगेट डन हुए थे अगर टाटा मोटर्स एक ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट कर दे, देखिए ये ओवर स्टॉक है अगर आप देखें ना तो पूरा इसका पिटाई हो रखा है बहुत ही ओवर स्टॉक है मुझे लग रहा है टाटा मोटर्स कल भी एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है लेकिन इसको कंडीशन है इसको आठ सौ बेरासी तेरासी के ऊपर निकालना होगा तब अगर इसके ऊपर निकलता है आठ बेरासी के ऊपर तो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी 890 से लेके फिर नौ रुपए तक के टारगेट के लिए बना सकते सेल साइड अभी नहीं देखेंगे सेल साइड इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ओवर सोल्ड स्टॉक है तो इसको सेल साइड देखना ही नहीं है हाँ, अगर इस ट्रेन लाइन के नीचे निकाल देता है आठ के नीचे तो थोड़ा एक सौ मिल सकता है आठ के नीचे आने पर थोड़ा गिरावट सामना मिल सकता है जो कि आज का लो लगभग आठ सौ के आसपास पहुंच सकता है तो आठ के नीचे सेलिंग साइड हो सकता है और टारगेट इस कंडीशन आठ पैंसठ पकड़ लीजिए 860 पकड़ लीजिए ये सब एरिया मिल सकता है टाटा मोटर्स में तो टाटा मोटर्स बिल्कुल ओवर शोल्ड स्टॉक है और जो टीवीएस मोटर है वो है आपके लिए एक रिजल्ट वाला शो उसका रिजल्ट थोड़ा मन मुताबिक नहीं आया हालांकि प्रॉफिट बढ़ के आया लेकिन मन मुताबिक नहीं आया प्रॉफिट बढ़ गया फिर भी वो गिरा तो ये सब चीजें मिलता रहता है अभी आपको सेल ऑन राइस बाय ऑन डीप ये सब करना है और ये कुछ स्टॉक्स दो स्टॉक्स पर नजर रख के चलना है तो अब मिलता अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी आप मेरे आरके रेडी मोबाइल टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फिर ऑफकोर्स मैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों